स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पठित पद्यांश, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 हिंदी में 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न MCQ आएगा, यानी 5 नंबर का आपका पठित पद्यांश आएगा, जो कि आपके सिलेबस में कविताएं हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, और 2 नंबर का आपका MCQ आएगा कविता से। तो कुल मिला के 7 नंबर का MCQ आएगा पद्य खंड से या कविता से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सुर का पद, और इसमें हम बात करेंगे पहले पद से संबंधित MCQ के प्रश्नों पर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार? तो देखिए, सही आंसर जो है वह है रूपक अलंकार, प्रेम रूपी नदी। अगला प्रश्न, उद्धव कौन थे? तो देखिए, सही आंसर आपको देना है कृष्ण के मंत्री, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के बड़े भाई, विकल्प का और खा। तो सही आंसर होगा विकल्प का और खा, कृष्ण के मंत्री भी थे उद्धव और कृष्ण के मित्र भी थे। सूर के द्वारा रचित पद किस भाषा में है? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी में और पंजाबी में। सही आंसर होगा ब्रज भाषा में। उपरोक्त पद में गोपियाँ किसे भाग्यशाली कह रही हैं? देखिए, कृष्ण को, उद्धव को, यशोदा को, उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त पदों में गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं, तो सही आंसर होगा उद्धव। 5वां प्रश्न, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या अर्थ है? हमेशा प्रेम करना, कृष्ण से दूर रहना, प्रेम से दूर रहना, प्रेम रूपी धागे से दूर रहना। तो सही आंसर होगा प्रेम रूपी धागे से दूर रहना। आपको सही आंसर देना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। उपरोक्त पद के अनुसार किसने प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया? जो ये पद दे रखा है इसके अनुसार किसने प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया? गोपियों ने, कृष्ण ने, सूरदय या फिर उद्धव ने? तो देखिए, सही आंसर है उद्धव ने प्रेम की नदी में कभी पांव नहीं रखा। अगला प्रश्न, पूर्वीन पात रहत जल भीतर का आशय है? कमल का पत्ता नदी में रहता है, कमल का पत्ता जल के बाहर रहता है, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है। तो देखिए क्या सही मीनिंग है इसका, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पूर्वी निपात रहत जल भीतर, ये इसका सही आंसर होगा। ज्यो जल माहा तेल की गागरी बूंद नता को लागी, गोपियों ने किसके लिए प्रयुक्त किया है ये उक्ति? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है कृष्ण के लिए का ऑप्शन, दूसरा गोकुलवासी, तीसरा स्वयं, चौथा उद्धव। तो सही आंसर होगा उद्धव के लिए। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? प्रेम से, नदी के पानी से, कमल के पत्ते से, कृष्ण से? तो सही आंसर होगा कमल के पत्ते से। तो ये पठित पद्यांश के अनुसार आपको हम आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न, सुर के पद में किस रस का वर्णन किया गया है? यदि रस से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो देखिए, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वीर रस, तो सही आंसर है वियोग श्रृंगार। उपरोक्त पद में गुड़ और चीटी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 4 ऑप्शन, कृष्ण और गोपियों के लिए, गोपियों और यशोदा के लिए, उद्धव और कृष्ण के लिए, उद्धव और गोपियों के लिए। उपरोक्त पठित पद्यांश के अनुसार सही आंसर होगा कृष्ण और गोपियों के लिए। गोपियां स्वयं को अबला और भोली क्यों कहती हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन है, कृष्ण से प्रेम के कारण, उद्धव की तरह ज्ञानी न होने के कारण, विकल्प का और खा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका विकल्प का और खा। उपरोक्त पद में परागी शब्द का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन, घूमना, मंडराना, मुग्ध होना, खुशबू देना। तो सही आंसर होगा मुग्ध होना। किसके रूप सौंदर्य पर उद्धव मुग्ध नहीं हुए? 4 ऑप्शन, गोपियों के, कृष्ण के, राधा के, उपरोक्त सभी। सही आंसर है कृष्ण। गोपियों के अनुसार चींटियां गुड़ से क्यों लिपटी जाती हैं? प्रेम के कारण, नमक के कारण, तीखे के कारण, मीठे के कारण? सही आंसर होगा प्रेम के कारण। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।